हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जॉय स्किन फ्रूट्स फ्रूट मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना जिससे आपको पता चल जाए कि ये मॉइस्चराइज़र कैसा है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो ये है जॉय का मॉइस्चराइजिंग क्रीम का कंटेनर। ये छोटी सी पैकेजिंग है, जस्ट आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ट्रायल पैक है, तो मैंने एज अ ट्रायल के लिए ही इसको लिया था। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी बात है। बात करूँ इसकी पैकेजिंग की, तो काफ़ी अच्छी सॉलिड कंटेनर है, ये प्लास्टिक का कंटेनर है। इसमें जोजोबा और आमंड ऑयल्स हैं, जैसा कि इस पर मेंशन है। इसमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स भी हैं और ये सिर्फ 30 ml का प्रोडक्ट है। ये इसकी सबसे कम क्वांटिटी वाली क्रीम है, बाकी ये और ज़्यादा क्वांटिटी में भी अवेलेबल है। और ये इससे रोटेट होकर ओपन हो जाता है। जैसे बड़ी पैकेजिंग्स आती हैं उसमें यहाँ पर एक एल्यूमिनियम फॉइल से सील्ड आता है, जबकि छोटी पैकेजिंग में ऐसा कुछ नहीं है। और जो इसकी क्रीम है ये वाइट कलर की और काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, और बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर है इसका। मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही मतलब लगने के बाद बहुत ही सॉफ्टनेस मिलती है। और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, नॉन ग्रीसी है ये। और आप डिफरेंस देख सकते हो, इस साइड पर थोड़ा हार्शनेस है और इस साइड पर बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन आपको दिख रही होगी। सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी अच्छे से ड्राइनेस को कवर अप कर लेता है। वैसे तो इस पर मेंशन नहीं है कि ये फेस के लिए है या बॉडी के लिए है, तो आप इसको हैंड्स पर भी यूज़ कर सकते हो, फेस पर भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स ही हैं। वैसे इसकी छोटी पैकेजिंग पर इन दो इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ और मेंशन नहीं है। बाकी मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि इसमें और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें जोजोबा और आमंड ऑयल्स के साथ साथ व्हीट जर्म ऑयल और एप्पल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। इसमें काफ़ी अच्छे ऑयल्स हैं और इसमें एक्टिव फ्रूट बूस्टर्स हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं इसको फेस पर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको हैंड क्रीम की तरह यूज़ करती हूँ। और बात करूँ इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल है। सिर्फ 27 रुपये की ये क्रीम है और 3 साल इसकी शेल्फ़ लाइफ आपको मिलती है। तो अगर आप देखें, जो ये बहुत ही हाई रेटेड हाई ब्रांड्स के मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आती हैं, इनकी रेंज बहुत हाई होती है, तो उसके कंपैरेटिवली इसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है। और ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस अफोर्डेबल है तो क्वालिटी बेकार है, जी नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत सही मिल जाती है आपको इस रेंज में, इससे ज़्यादा आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है एक्सेस में ही, तो सर्दियों में आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये अपनी स्मूथनेस खो देगी। और गर्मियों में इसको अवॉइड करना अगर ऑयली स्किन है तो, क्योंकि फिर ये ऑयली स्किन के लिए गर्मियों में सही नहीं है। और ये प्रोडक्ट आपका ट्रैवल फ्रेंडली है, इसमें से बिल्कुल भी प्रोडक्ट लीक नहीं होता है। और ये वैसे भी इसका जो छोटा सा कंटेनर है ये तो और भी अच्छा है, ट्रैवलिंग में इजीली ले जा सकते हो। और रही बात इसकी फ्रेग्रेंस की, तो मुझे पर्सनली इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मल है। हाँ, लगने के बाद आपको फील होता है, स्मेल आती है, पर थोड़ी देर में वो गायब हो जाती है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। इस प्रोडक्ट के 2 क्लेम तो बिल्कुल सही हैं कि ये सॉफ्टनेस देता है, स्मूथनेस देता है और नरिशमेंट देता है, तो ये तो बिल्कुल सही हैं। बाकी इसके जो और क्लेम्स हैं, जैसे कि ये यूथफुल लुक देता है और साइंस ऑफ एजिंग को कम करता है, तो ऐसा कुछ मैं पर्सनली फील नहीं करती कि इस क्रीम से होता है। बाकी इस प्रोडक्ट में पैराबिन है, तो ये थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र मुझे लगा इस रेंज में, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छा है। तो ये था मेरा जॉय मॉइस्चराइजिंग क्रीम का रिव्यू। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोज़ के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना।